नमस्कार दोस्तों, स्किन की इलास्टिसिटी जब कम हो जाती है तो वो ढीली होकर लटक जाती है और गाल पिचके नज़र आते हैं। कुछ लोगों के गाल कुदरती रूप से ही पिचके हुए होते हैं, या स्मोकिंग करने से, पोषण की कमी से, कम पानी पीने से आदि से स्किन पर फर्क पड़ता है। फूलर चिक्स दिखने में आकर्षक तो लगते हैं बल्कि व्यक्ति को जवान भी दिखाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पिचके गालों को सुडोल बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गालों को गोल मुटोल बनाने के घरेलू उपाय। उपाय नंबर एक, मेथी के दानों में एंटीऑक्सीडेंट, एलिमेंट्स और विटामिन पाए जाते हैं जो पिचके गालों को फूलर बनाने में बहुत ही सहायता करते हैं। आपको आधा कप मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखना है और फिर सुबह इसको पीसकर एक पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को आपको अपने गालों पर लगाना है और जब ये सूख जाए तो आप इसको अपने चेहरे से साफ कर लीजिए। आप हफ्ते में 3 बार इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय नंबर दो, पिचके या लटके गालों को चबी बनाने के लिए ग्लिसरीन और गुलाब जल भी बहुत सहायक हैं। आप आधा चम्मच ग्लिसरीन में आधा चम्मच गुलाब जल अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर इसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए और कुछ देर के लिए अपने गालों पर मसाज कीजिए। इसको लगाकर आपको लगभग 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से आपकी स्किन टाइट होती है और पिचके या लटके हुए गाल सुडोल नजर आते हैं। इस उपाय को आप एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं। उपाय नंबर तीन, फेस योग से भी आप अपने गालों को फूलर और चबी बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मुंह में जितनी हो सके उतनी हवा भरनी है। आपको अपने मुंह को लगभग 45 सेकंड से 1 मिनट तक ऐसे ही फुलाकर रखना है। इससे आपके चेहरे के मसल स्ट्रांग होते हैं, लटकी और ढीली स्किन टाइट हो जाती है, साथ ही पिचके गाल सुडोल हो जाते हैं। ऐसा करते हुए आपको अपने होंठ खोलने नहीं है। एक और योग हम आपको बताते हैं। आप दोनों होंठ बंद कर लीजिए और मुस्कुराइए। आप अपने होठों को जितना हो सके स्ट्रेच कीजिए। आपको ऐसा करते हुए अपने होंठ खोलने नहीं है। लगभग 10 से 15 सेकंड तक आपको ऐसे ही मुस्कुराते रहना है। आपको ऐसा दिन में 2 बार करना है। कुछ ही दिनों में आपके चिक्स फुलर हो जाएंगे। दोस्तों, जो उपाय हमने आपको बताए हैं उनसे आप अपने पिचके गालों को फुलर बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ और बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि अगर आप करते हैं तो इनकी आदत आपको छोड़ देनी है, क्योंकि इनका हानिकारक प्रभाव स्किन पर पड़ता है। आपको अपनी त्वचा को डिहाइड्रेशन से बचाना है। इसके लिए आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीजिए। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आहार में फल और सब्जियों को शामिल करें, इससे स्किन को पोषण मिलेगा। दिन में कम से कम 1 बार गालों पर अपर मूवमेंट में और सर्कुलेशन मोशन में आपको मसाज करनी है। इसके लिए आप किसी अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए। मसाज करने के लिए आप जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ 2 या 3 मिनट तक मसाज करने के बाद आप ऑलिव ऑयल को अपने चेहरे से उतार दीजिए। तो दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप अपने गालों को चबी बना सकते हैं। इन रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होती है तो आपके चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।